नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में मीट देखना कैसा होता है, सपने में कच्चा मांस देखना, सपने में पका हुआ मांस देखना, इसके अलावा सपने में मांस खाना कैसा होता है। छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में मांस देखना कैसा होता है और यह सपना शुभ होता है या अशुभ होता है। अगर हम स्वप्न शास्त्र की बात माने तो सपने में मांस देखना एक शुभ सपना होता है। बस ये सपना इस बात पर निर्भर करता है कि सपना आपने कौन सी स्थिति में देखा है, और स्थिति ही बताती है कि सपने का जो फल है आपको शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं सपने में कच्चा मांस देखना कैसा होता है। अगर आपको सपने में कच्चा मांस दिखाई देता है तो ये अशुभ सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आप जो भी काम करने की सोच रहे हैं तो आपको कर्म भूमि मिलेगी और आपको कोई भी खास सुविधा नहीं होगी। जो भी आपको उसमें अर्जन करना है तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी और आपको संघर्षशील व्यक्ति रहना पड़ेगा। भाई अब बात कर लेते हैं सपने में आप अगर पका हुआ या आप अपने आप को खुद पकाते हुए मांस को देखते हैं, ऐसा सपना अगर आता है तो ये सपना क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये सपना हमें बताता है कि आने वाले समय में हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसका आधारभूत हम खड़ा करना स्टार्ट कर देंगे, उसकी नींव शुरू कर देंगे हम, और उसकी शुरुआत हमारे द्वारा की जाएगी। बस वो कार्य अच्छा से वर्क करेगा या बुरे से वर्क करेगा ये हमारी मेहनत पर डिपेंड करेगा। अगर हम मेहनत बढ़िया से करेंगे तो हमको आने वाले समय में बढ़िया फल मिलेंगे, अगर हम उस पर टेम्परेरी मेहनत करेंगे तो हमको टेम्परेरी फल भी मिलेंगे। वहीं बात कर लेते हैं सपने में आप देखते हैं कि आप मांस को काट रहे हैं। अगर ऐसा आपको सपना आता है तो इसका क्या मतलब होता है। अगर ऐसा आपको सपना आए तो ये सपना अशुभ होता है। ये सपना हमें बताता है कि आने वाले समय में हमारे द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा सकता है जिसकी वजह से हमारा कुछ लाभांश दूसरे व्यक्तियों में बढ़ सकता है। ये आपकी गलती भी हो सकती है या आपके द्वारा किया गया काम भी हो सकता है। भाई ये बात कर लेते हैं, अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से पका हुआ मांस रखा हुआ है और सभी लोग जो है मांस को खा रहे हैं सिवाय आपको छोड़कर, अगर ऐसा सपना आए तो इसका मतलब होता है कि आपको समाज में बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। आपके आसपास के व्यक्ति आपको हंसी का पात्र समझ सकते हैं। भाई यह बात कर लेते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार बड़ी सी कढ़ाई में या बड़े से पात्र में आप मीट को बनता हुआ देखते हैं तो ये सपना कैसा होता है। अगर ऐसा आपको सपना आए तो ये सपना हमें बताता है कि आने वाले समय में हमारी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, फल हमारे सामने होगा, बस हमको उसको पाने में दिक्कत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी कार को खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास उसको खरीदने की अपॉर्चुनिटी तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन होगी, क्योंकि हमारे पास हम उसको खरीदने की क्षमता तो रखते हैं लेकिन करंट टाइम में आपके पास पैसे नहीं होंगे, उसको आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपको संघर्ष में रहना पड़ेगा। भाई अब बात कर लेते हैं, अगर आप सपने में मांस को खरीदते हैं तो ये सपना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है जिस भी जातक को यह सपना आता है आने वाले समय में उस व्यक्ति को धन लाभ की संभावना बनी रहती है और आने वाले समय में उसको उचित धन लाभ भी होता है। भाई अब बात कर लेते हैं सपने में अगर आप कसाई की दुकान पर टका हुआ मांस देखते हैं या काटता हुआ मांस देखते हैं तो भी यह अच्छा सपना होता है। यह सपना हमें बताता है कि आने वाले समय में हम जो भी योजनाएँ बनाएंगे उनको आधारभूत ढांचा हम प्रदान कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं अगर आप सपने में देखते हैं कि आप कच्चा मांस खा रहे हैं, अगर ऐसा सपना आता है ये थोड़ा विवश से सपना लगता है लेकिन स्वप्न शास्त्र की बात माने तो ये बेहद ही मंगलकारी सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में हमको आवश्यकता से अधिक धन प्राप्त हो सकता है, हम जितना काम करेंगे उससे ज़्यादा फल आपको मिलेगा। वहीं बात कर लेते हैं कुछ लोगों को ये सपना आता है जिसमें वह लोग जुओं का मांस खाते हैं, यानी कि मनुष्य का मांस खाते हैं, इसके अलावा कच्चा मांस खाते हैं। अगर ऐसा सपना आता है तो ये देखने में बड़ा डरावना लगता है लेकिन अगर स्वप्न शास्त्र की बात माने, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सपना देखता है जिसमें वह किसी दूसरे व्यक्ति का मांस खाता है
तो यह सपना बेहद ही मंगलकारी होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपको अचानक रूप से बड़ा धन लाभ हो सकता है, कोई पुराना आपको खजाना मिल सकता है, इसके अलावा कोई ऐसी जायदाद आपको मिल सकती है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। भाई ये बात कर लेते हैं, नॉर्मल सा मांस अगर आप देखते हैं बना पका कर खाते हैं और खाकर उसको चटकारे से इंजॉय करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सफलता के फल को आप उपभोग भी कर पाएंगे अपने आनंद के साथ। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी जानकारी दे दिया होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। थैंक यू फॉर